अयोध्या में सपा विधायक अभय सिंह का मुख्तार अंसारी से कनेक्शन होने का आरोप लगा है। भाजपा के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी ने सपा विधायक अभय सिंह को अंसारी गैंग का सदस्य बताकर अपने परिवार को जान का खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अभय सिंह की गिरोह की यह प्रवृत्ति रही है, वह सुरक्षा पाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। मुझे फंसाने के लिए अभय सिंह अपने दोस्त की हत्या भी करा सकते हैं। उन्होंने सीएम योगी के पूरे मामले में एसआईटी से जांच करवाने की मांग की है। सोमवार को एनआईए और दिल्ली पुलिस ने पूरा बाजार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से टीम ने एक नाबालिग को पकड़ा था। गुरुवार को खब्बू तिवारी ने कहा कि विधायक अभय सिंह यूपी के सबसे बड़ा अपराधी है, जो मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य है। अभय सिंह का काला इतिहास रहा है, मेरे द्वारा उनकी हत्या की बात करना हास्यास्पद है। मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। खब्बू तिवारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि एसआईटी जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि 2004 में जब सपा की सरकार थी और अफजाल अंसारी लोकसभा को चुनाव लड़ रहे थे, तब मुख्तार अंसारी के शूटर के रूप में अभय सिंह की लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका थी। खब्बू तिवारी ने कहा कि उस चुनाव में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोली चली थी, कई लोग मारे गए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी और अभय सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस हत्या में अभय सिंह का क्या रोल था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में किस गिरोह का हाथ था और उस गिरोह से अभय सिंह का क्या संबंध था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तमाम अपराधी पंजाब हरियाणा के जो अपराध करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसमें अभय सिंह का क्या लिंक है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। खब्बू तिवारी ने कहा कि अभय सिंह की गिरोह की यह प्रवृत्ति रही है, वह सुरक्षा पाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। मुझे फंसाने के लिए अभय सिंह अपने दोस्त की हत्या भी करा सकते हैं। लॉरेंस गैंग ने अयोध्या के पूरा बाजार में ठिकाना बनाया था। यहाँ एक हिस्ट्री शीटर के आवास पर इस गैंग से जुड़े लोग किसी बाहुबली नेता और विधायक की हत्या के इरादे से रह रहे थे। सोमवार रात एसटीएफ ने छापा मारकर गैंग के एक नाबालिग को पकड़ा था। बता दें कि खब्बू तिवारी इसी महीने फर्जी मार्कशीट के मामले में जमानत पर बाहर आए हैं। उनके जेल में रहते खब्बू समर्थकों व अभय के लोगों के बीच विधानसभा चुनाव के दौरान 2 से 3 बार जमकर मारपीट, फायरिंग व तोड़फोड़ हो चुकी है। लॉरेंस ने 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान सलमान को मारने की धमकी दी थी। इसके बाद सलमान सिर्फ 2 बार ही जोधपुर में कोर्ट पेशी हुई थी, दोनों बार उनकी सुरक्षा सख्त रखी गई थी। सलमान के वकील को भी धमकी भरा लेटर मिला था, ऐसा ही लेटर उनके पिता सलीम खान को भी मिल चुका था। इसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि ये लेटर लॉरेंस ने ही भेजे थे।